मैं हूँ योशु मायापुरी, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना ने पहले फिल्मों में ट्राई किया था, लेकिन फिल्मों में उनको इतना पसंद नहीं किया गया था, जिसके बाद वो कॉलम्स लिखते हुई नजर आई थी। और एज अ राइटर वो काफ़ी कुछ लिखती हैं, कॉलम्स लिखती हैं, और उनके कई सारे कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं राइटर्स के तहत। वहीं बता दे कि अब रिसेंटली ट्विंकल खन्ना ने इनरोल कर दिया है अपने आप को फिक्शनल राइटिंग कोर्स के चलते। यहाँ पर उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूके में है और वो यूके रवाना हो चुकी है। और वहीं अक्षय कुमार जो उनके हस्बैंड हैं वो उनको ड्रॉप करने के लिए यूके रवाना भी हो चुके हैं उनके साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने रिसेंटली अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी रणबीर कपूर के साथ। वहीं बता दें कि आलिया भट्ट अपने प्रेगनेंसी के चलते तो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट बटोर रही हैं, लेकिन इसके अलावा अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के चलते हुए भी काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट्स में आ रही हैं। बता दें कि आलिया भट्ट इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी है ब्रह्मास्त्र के प्रमोशंस के चलते। वहीं रिसेंटली उनको देखा गया एक ब्यूटीफुल से ऑरेंज कलर एंड ब्लैक पोल्का डॉट ड्रेस में, जहां उनका प्रेगनेंसी ग्लो हमें देखने को मिला, और ये उनका वन ऑफ द डेज था ब्रह्मास्त्र को प्रमोट करने के लिए। पूरा नेशन सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया का विन, इंडियन क्रिकेट का बिग विन अगेंस्ट पाकिस्तान। अपने फर्स्ट मैच एट द एशिया कप 2022, वेल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी यहां पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं इस जीत से। वहीं आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे जो टीम अप करने जा रहे हैं फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के लिए, यहां पर वो सेलिब्रेट करते हुए नज़र आए टीम इंडिया का जीत। यहां पर उन्होंने डांस किया सॉन्ग काला चश्मा में, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नज़र आ रही है। अनन्या पांडे ने भी ये वीडियो शेयर किया और लिखा, जीत गया इंडिया। बिपाशा बासु मॉम टू बी हैं और अभी से ही उनकी पूरी लिस्ट जो है तैयार है एज वो क्या क्या करेंगी और उनको क्या क्या करना होगा जब उनका बेबी आएगा। वेल बिपाशा बासु जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और वेल प्रिपेयर्ड हैं। वहीं रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने बात की अपने प्रेगनेंसी के बारे में और बेबी के बारे में। यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनका जो बच्चा हो वो एक बेबी गर्ल हो, वो चाहती हैं कि उनको एक बेबी गर्ल हो। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो और उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर बेबी को एज शी रेफर करते हैं। वेल ये तो वक्त ही बताएगा कि बिपाशा बासु को लड़का होगा या लड़की, लेकिन यहाँ पर बिपाशा बासु चाहती है कि उनको लड़की हो। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत को रिसेंटली देखा गया स्टाइलिश अपीयरेंस देते हुए एज उन्होंने अटेंड किया कुणाल रावल और अर्पिता मेहता की स्टार स्टडेड वेडिंग। शाहिद कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लवली फोटो शेयर की उनकी, एज वो कैमरा की तरफ पोस्ट करते हुए नजर आए अपने बेटर हाफ यानी कि मीरा राजपूत के साथ। शाहिद कपूर एज डैशिंग एज एवर लग रहे थे वाइट ट्रेडिशनल आउटफिट में और उन्होंने बेज टर्बन के साथ इस पूरे लुक को पेयर किया। वहीं दूसरी तरफ मीरा ने भी बहुत ही स्टनिंग आइवरी एथनिक आउटफिट पहना था। दोनों की तस्वीर साथ में देखकर हम बता सकते हैं कि दोनों मेजर कपल गोल्स दे रहे हैं। वहीं फैंस के ये कॉमेंट सामने आने लगे, ओ माई गॉड दे लुक लाइक अ न्यूली वेड कपल। मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों 3 फिल्मों को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, पठान, डंकी और जवान। वेल बता दे कि अगर उनके अगले प्रोजेक्ट की बात करें कि वो किस पर काम करने जा रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि नेक्स्ट शाहरुख खान जो है वो चेन्नई जाने वाले हैं डायरेक्टर अटले की फिल्म जवान के लिए, और इस फिल्म के लिए वो वहाँ पर 1 मंथ लॉन्ग स्केड्यूल को फॉलो करेंगे। सोर्सेज की माने तो वो शूट करने जा रहे हैं नयनतारा के साथ, और फिल्म का जो ये शूटिंग है वो चेन्नई में 1 मंथ के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद वो डंकी पर एक बार फिर काम करना स्टार्ट कर देंगे। टीम इंडिया के जीत के बाद कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने टीम इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया अपना बड़ा विन अगेंस्ट पाकिस्तान एशिया वर्ल्ड कप 2020 मैच में। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को अपना जॉय एक्सप्रेस करते हुए देखा गया सोशल मीडिया पर। यहां पर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने
ट्विटर पर अपने अपने एक्साइटमेंट और जॉय को जताया। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया, यस कम ऑन #AsiaCup2022#India vs Pakistan। अर्जुन रामपाल ने लिखा, यस इंडिया व्हाट अ गेम, हार्दिक पांड्या एंड जडेजा थैंक यू, इंडिया रॉक्स। कार्तिक आर्यन ने भी एक सॉन्ग शेयर किया और इंडिया का जो मैच के हाइलाइट्स हैं उसे शेयर किया अपने गाने के साथ और टीम इंडिया को चीयर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को स्पॉट किया गया टाउन में अपनी बड़ी बेटी रेने सेन के साथ एज वो प्रिपेयर कर रही हैं अपनी छोटी बेटी अलीसा का बर्थडे पार्टी। वेल बता दें कि यहाँ पर सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल को भी देखा गया डुओ को अकंपनी करते हुए। पैपराजी ने उनको कैप्चर किया। वेल सुष्मिता और रोमन ने दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, अपने वेज पार्ट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के लाइफ में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। सुष्मिता काफ़ी प्रिटी लग रही थी ऑल पिंक ऑनसेंबल में। दूसरी तरफ रोमन ने भी कैजुअल रखा, उन्होंने मरून टी शर्ट के साथ ग्रे जीन्स पेयरअप किया। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की लास्ट फिल्म भूल भुलैया 2 सुपर डुपर हिट हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। बात करें कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्मों की तो उनमें से एक है फ्रेडी। वेल बता दें कार्तिक आर्यन के फिल्मों से काफ़ी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो काफ़ी अच्छे नंबर्स देंगे बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन अगर हम फ्रेडी की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म डायरेक्टली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो सकती है। वेल इसका रियल रीज़न नहीं सामने आया है कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं मेकर्स कि इस फिल्म को डायरेक्टली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करें, लेकिन मेकर्स को काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े बड़े डील्स मिल रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने के लिए। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपना संडे स्पेंड किया इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पर वो स्पॉट किए गए एक रेस्टोरेंट के बाहर फ्रेंड्स के साथ और वहीं अपनी एक्स वाइफ सूजन खान के साथ। उनके फ्रेंड्स जैसे कि सोनाली बेंद्रे, गोल्डी भेल, गायत्री जोशी और विकास ओबरॉय उनके साथ नजर आए। ऋतिक रोशन को ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट्स में देखा गया डार्क सन ग्लासेस और कैप के साथ। वहीं दूसरी तरफ सूजन ने भी ब्लैक टॉप ब्लू जीन्स पहना था। सोनाली फ्लोरल कैजुअल्स में नजर आई एक लंच डेट के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वेल सब ने एक बहुत ही लवली टाइम स्पेंड किया। सूजन और ऋतिक को सेपरेट हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों का जो बॉन्ड है फ्रेंडशिप का वो अभी भी बरकरार है। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी का।